अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि जीना जरूरी है और जीने के लिए बेहतर जिंदगी जीने के लिए बेहतर काम उत्पादन करना होगा। अब बेहतर जीना है और काम नहीं करना है तो फिर जिएगा सर, तो इसके लिए तो कोई ना कोई विक्रम रचना होगी। तो इसी जीने के बेहतर से जीने के लिए देवी देवता की रचना हुई, जात पात की रचना हुई, स्वर्ग नरक की रचना हुई, भूत प्रेत की रचना हुई। हम देहातों में देखते हैं कि गरीब लोग, गरीब महिला सब लगती है तो उनको बहुत नाना प्रकार की बीमारी से भी वो मेंटल डिजॉर्डर होता है ब्रेन, तो वो लोग लगते हैं कहने के लिए इसको भूत आ गया भूत आ गया। जो ओझा के यहाँ ले जाता है तो ओझा क्या कमाल का मंत्र जानता है, कहता है कि एक काम करो इसको भूत पकड़ लिया है, दलही पूरी लाओ, एक बोतल दारू लाओ और एक मुर्गा लाओ बना कर, और मुर्गा खस्सी का मीट एक बोका लाओ। तो मैं पूछता हूँ कि एक बोतल दारू पर, दो चार पांच दलही पूरी पर और एक मुर्गा पर भूत का पेट भरेगा? तो ये समाज के निर्धन गरीब कंगाल मजदूर की महिला कौन कौन उसके परिवार के लोग उपाय करके किलो मीट बना के दुर्गा का मीट बना कर पूरी बना के लेकर के जाएंगे, दारू लेके भगत को देंगे, भगत दारू पी लेगा, मुर्गा खा लेगा, लगेगा बुझाई कर। तो मैं कहता हूँ कि भूत भगाता है ओझा, एक मुर्गा खा कर एक बोतल दारू पीकर तो भूत भागता है, तो भूत गरीब को क्यों पकड़ता है? तो भूत तो पकड़ना चाहिए भट्टी के मालिक को जहाँ तीने तीने शराब मिलता है, भूत पकड़ना चाहिए सिलेटर हाउस में जाता है कुचल को पकड़ जाए कुचल के कुचल मांस मिलता है, तो वहाँ भूत नहीं जाता है, साधारण गरीब के यहाँ भूत आकर के। अब इससे क्लियर अब क्या कहा जा सकता है, किनके लिए कहा जा सकता है? इस अंधविश्वास से निपटने के लिए और इस सब माया जाल जो बिछा रहे इससे निपटने के लिए क्या जरूरी है? दार्शनिक विचार पदार्थवादी सोच डेवलप करना होगा। इस धरती पर पदार्थ के अलावे कोई दूसरा कोई चीज होता नहीं, पदार्थ से सृष्टि बनी है, पदार्थ निरंतर क्रियाशील है, आज जो पदार्थ का जो रूप है कल नहीं रहेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पदार्थ का न एक्स्ट्रा कोई निर्माण कर सकता है न पदार्थ का कोई नाश कर सकता है, और जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं पदार्थ के रूप में ही देख रहे हैं, वस्तु के रूप में पदार्थ का ही संगठित संरचना है। सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, सृष्टि में कहीं कोई भूत प्रेत होता नहीं, सामाजिक धारणा है भूत होता है, प्रेत होता है, जादू होता है, गुना होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये सब ठगाई कमेरों की गाड़ी कमाई लूटने के लिए स्वर्ग नरक का ही कल्पना करके समाज को फंसाया गया।